का गठबंधन हो गया, ऐसे में आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए गठबंधन उनका अधिकार है और उनकी सोच है, और पहले भी बहुत पार्टियों के इस प्रकार से गठबंधन हुए हैं। लेकिन जब गठबंधन केवल और केवल कुछ स्वार्थों पर आधारित होता है ना जी, तो मैं समझता हूँ कि जनता उसको समर्थन नहीं देती है। और ये गठबंधन ये भी ऐसे ही है, अभी आपने देखा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ हुआ था, अभी आम आदमी पार्टी के साथ खत्म होकर बीएसपी के साथ हुआ, बीएसपी का पहला लोकदल के साथ हुआ था, पहले वो लोकदल के साथ समाप्त हो गया। तो रोजाना जिस प्रकार से गठबंधन बदले जा रहे हैं, तो जनता भी इस बात को समझती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कोई चुनाव जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए गठबंधन नहीं है, ये तो केवल इसके लिए गठबंधन है कि चुनाव में कम से कम उपस्थिति दर्ज हो गई, हाँ कोई पार्टी है, कोई चुनाव लड़ रही है, बस खाली इसके लिए गठबंधन है, वैसे कुछ नहीं है। क्योंकि जनसमर्थन बिल्कुल भी साथ नहीं, अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देख लिया। और इस प्रकार के जो स्वार्थी गठबंधन होते हैं, तो उसमें जनता उनको कभी भी अपना समर्थन नहीं देती। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन था, उससे आम आदमी को ये लग रहा था, जो भारत था यूपी से, उसको लगता था कि बहुत बड़ी जीत शायद हासिल होगी, क्योंकि एक तरफ जो एससी वोट थी वो थी, एक तरफ मुस्लिम वोट थी, एक तरफ यादव वोट थी, तो लोग कहते थे सारी वोट अगर इकट्ठी होगी तो एकदम हो जाएगा। लेकिन चाहे वो फिर दलित है, चाहे वो फिर यादव है, चाहे फिर वो मुसलमान है, कोई भी है, हर आदमी को अपना देश प्यारा लगता है और वो देखता है कि कौन मेरे लिए काम कर रहा। और आज आपके सामने है कि यूपी में जो हालत गठबंधन की हुई है, तो यहाँ तो खैर कुछ भी नहीं, वहाँ तो 15 सीटें आई भी उनकी, यहाँ तो कुछ भी आने वाला नहीं है, तो जीरो पे ही है, जीरो पे ही आउट होंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के 75 के लक्ष्य को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी है। नहीं देखिए अब उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या 75 के लक्ष्य को या किसी लक्ष्य को किसी को वो प्रभावित नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अगर वो पूरे 90 में से अगर एक सीट भी जीत जाए, तो मैं समझूँगा कि बहुत बड़ी सफलता उनको मिल जाएगी, कोई एक सीट भी नहीं आएगी। अगर जमानत भी बचा ले जाए ना अपनी, तो वो भी उनकी जीती होगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गूंज के साथ ही बीजेपी के 75 के लक्ष्य को रोकने के लिए गठबंधन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन होने के बाद देखना होगा कि यह गठबंधन क्या बीजेपी के रथ को रोक पाएगा। रणसिंह चौहान, R9 TV, यमुनानगर।